कश्मीर को सुलगाने की कोशिश पर मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने वहां चोट की है जहां इसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। सीएम महबूबा का ये वार था कश्मीर के दुश्मन अलगाववादियों और उनका समर्थन करने वालों के जेहन पर। ये ऐसी चोट थी जो अलगाववादियों के वजूद को हिला सकती है, बशर्ते इन बातों को दिलो दिमाग से सुना जाए। बारामूला आई सीएम महबूबा मुफ्ती सिविल सोसाइटी के लोगों से मिली और यहीं से पूरे कश्मीर को ही नहीं कश्मीर के दुश्मनों तक को भी साफ साफ पैगाम दे डाला। अगर अफगानिस्तान और अफगानिस्तान बना हुआ तो वो एकदम अफगानिस्तान ही बना, वहाँ भी धीरे धीरे इसी तरह शुरू हुआ, लोगों में दहशत फैलाई। महबूबा ने समझाया कि आज़ादी चाहने वाले अगर सीरिया और अफगानिस्तान के हालात से वाकिफ नहीं है तो उन्हें समझ जाना चाहिए कि वो जिस आज़ादी की मांग कर रहे हैं वो उन्हें सीरिया, अफगानिस्तान और लीबिया जैसी बना देगी। अफगानिस्तान की हालत है, सीरिया की हालत है। सीरिया तो आजाद मुल्क है, वहाँ बंदूक क्यों चल रही है? अफगानिस्तान तो आजाद है, वहाँ क्यों बंदूक चल रही है? लीबिया तो आजाद है, हमारा सऊदी अरबिया, वहाँ तो बंदूक मदीने पाक के दरवाजे तक पहुँच गई। जम्मू कश्मीर को आतंकवादियों के बाद सबसे ज्यादा किसी ने नुकसान पहुँचाया है तो वो है अलगाववादी। महबूबा मुफ्ती ने कश्मीर के ऐसे दुश्मनों को भी बेनकाब किया जो मस्जिदों का गलत इस्तेमाल करके कश्मीर को जख्म दे रहे हैं। और रात को मस्जिदों से ऐलान किया जाता है औरतें बच्चे सब बाहर आ जाओ प्रोटेस्ट करने के लिए। मस्जिदें तो इस चीज के लिए नहीं बनी हमारी, हम तो इस चीज के खिलाफ है, इस्लाम के खिलाफ। महबूबा के तेवर देखने लायक थे, जुबान तल्ख थी। उन्होंने कहा कि अलगाववादी कश्मीर के बच्चों को अनपढ़ रखना चाहते हैं, यही उनका मिशन है क्योंकि इससे उनकी रोजी रोटी चलती है। वो बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं ताकि वो पत्थर फेंक सके। एजुकेशन हमारी बुनियाद है और उसी पे इस वक्त हमला किया जा रहा है कि अनपढ़ों की कौम रहे यहाँ पर, जिसको जिस तरह हम चाहे उसको धकेल सके। आज घाटी के हालात ऐसे हैं कि लोग बच्चों को पढ़ाई के लिए जम्मू या फिर देश के अन्य हिस्सों में भेज रहे हैं और जो बच्चे ऐसा नहीं कर पा रहे हैं वो अलगाववाद के जहनी आतंकवाद के शिकार बन रहे हैं। अब जिनके पास पैसा है वो लाखों रुपए खर्च करके अपने बच्चों को बाहर भेजते हैं, जिनके पास नहीं है तो फिर वो क्या करेंगे? तो कहीं ये साजिश तो नहीं है ताकि यहाँ के गरीब बच्चे जब अनपढ़ रहेंगे तो पत्थर उठाने के बगैर उनके पास कोई चारा ही नहीं, बंदूक उठाने के बगैर उनके पास कोई चारा ही नहीं होगा। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि वो राज्य में विकास की नींव रखना चाहती हैं, लेकिन अलगाववादी इसमें सबसे बड़ी रुकावट हैं। तो ये सोचते नहीं कि अगर हम आज मैग्नम नहीं करेंगे तीन महीने के बाद कौन सा मैग्नम कर सकते हैं? अगर आज हमारे बच्चे स्कूलों में नहीं जाएंगे तो आगे इनका क्या होगा, इम्तिहान कैसे देंगे? अगर आज मेडिकल कॉलेज का काम शुरू नहीं होगा तो ये कैसे 2.5 साल में मुकम्मल हो जाएगा? महबूबा मुफ्ती के शब्दों में तल्खी थी और अल्फाजों में उन पत्थरबाजों के लिए संदेश जो बहकावे में आकर गलत रास्ते पर जा रहे हैं। खुदाना खासा हमारे लिए तो दुनिया में तो हमारी जमीन तंग हो रही है, बाहर के मुल्कों में कहीं हमारे अपने मुल्क में ये जो हम यहाँ तरीके का अपनाया है तोड़ फोड़ करने का, वहाँ भी हमारे बच्चों के लिए जमीन तंग। फिलहाल महबूबा मुफ्ती अपने छोटे से कार्यकाल में सबसे मुश्किल दौर से गुजर रही हैं, लेकिन वो वक्त चाहती हैं। उनका दावा है कि थोड़े से और समय में वो सब कुछ ठीक कर देंगी। मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी हूँ और मैं किसी मिशन से निकली हूँ, किसी मिशन की वजह से यहाँ पर बैठी हूँ। और सबसे बड़ा मिशन मेरे वालिद का था जम्मू कश्मीर को इस मुसीबत से निकालना, इस तूफान से निकलना और एक नफ्ज इज्जत बार बार वो कहते थे। इन बातों का पाकिस्तान परस्त अलगाववादियों पर क्या असर होगा ये सब जानते हैं, क्योंकि जिस मिशन की शुरुआत ही नफरत फैलाकर कश्मीर में, उनके कानों पर भले ही जू तक न रेंगे लेकिन कश्मीर का आम वाशिंदा और उनके बच्चे सच को सुनकर सोचने पर जरूर मजबूर होंगे। NMF न्यूज की रिपोर्ट।